नमस्कार प्यारे दोस्तों, परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय में आप सबों के साथ हम वार्तालाप कर सकते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर आज एक महत्वपूर्ण संदेश हम सबको देने जा रहा है, सो आइए हम परमेश्वर पिता का संदेश ध्यान से सुने कि स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको कौन सा संदेश देने जा रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया, हमारा भारत देश धर्म कर्म पुण्यों के काम पर विश्वास करते हैं और ये सारे काम इसलिए करते हैं ताकि एक मनुष्य को पापों की क्षमा या मन की शांति प्राप्त हो। सो प्रश्न है, क्या मनुष्य धर्म कर्म पुण्यों के कामों के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है, मन की शांति प्राप्त कर सकता है, जिस पर हर एक इंसान विश्वास रखते हैं। धर्मशास्त्र बाइबिल कहती है, परमेश्वर ने अपने नबी यशायाह भविष्यवक्ता से कहा, मनुष्य जो धार्मिकता के काम करते हैं, जो धर्म कर्म के काम करते हैं, जो पुण्य के काम करते हैं, वे सब के सब मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। आज इंसान धर्म कर्म के कामों में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, जैसे गरीबों को, भिखारियों को खाना खिलाना, कपड़े बांटना, पानी पिलाना, बहुतों को तीर्थ यात्रा जाने के लिए मदद करना और बहुतों को और विभिन्न सेवाओं के द्वारा जो है वो सेवा प्रदान करते हैं। इन सब कामों को करने के पीछे एक मनुष्य का मकसद क्या है? पापों की क्षमा या फिर मन की शांति प्राप्त करना। आज वर्तमान में बहुत सारे राजनेता इन कामों को बढ़ चढ़ कर करते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, लेकिन खास करके बहुत सारे लोग जो धर्म कर्म पुण्यों के काम करते हैं, रोटी कपड़ा पानी, लोगों को तीर्थ यात्रा कराना, ये सारे कामों में अपना योगदान देते हैं, सेवाएं देते हैं, वो सिर्फ मन की शांति प्राप्त करने के लिए और पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का दास या परमेश्वर की नबी भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं कि मनुष्य का धर्म कर्म का काम मैले चिथड़ों के समान है। सो आपको मेरा जो धार्मिकता का काम है, धर्म का काम है, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को पानी पिलाना, लोगों को तीर्थ यात्रा भेजना या लोगों को कपड़े पहनाना, ये सारे जो धार्मिकता के काम हैं या धर्म कर्म के काम हैं, ये सब मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। एक मनुष्य इनके द्वारा कभी भी जो है पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से परमेश्वर के दास पौलुस संत कहते हैं, परमेश्वर ने उनको बताया, परमेश्वर ने उनको कहा कि पापों की क्षमा के लिए, मन की शांति के लिए जो है आज लोग ये धर्म कर्म के काम करते हैं। और परमेश्वर पौलुस को कहता है, संत पौलुस को कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई जो है परमेश्वर का मानने वाला नहीं, सबके सब भटक गए हैं, सब ने अपनी अपनी राह जो है तैयार कर लिया, अपनी अपनी रास्ते जो है लोगों ने बना लिया है, कोई भलाई करना नहीं चाहता, जब भलाई का काम करता है उसके पीछे भी स्वार्थ छिपा हुआ है। सो प्रेरित पौलुस कह रहा है कि एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सो ये प्रेरित पौलुस अपनी पत्री रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 18 पद में लिखा हुआ है। यशायाह भविष्यवक्ता जो कहते हैं वो यशायाह की किताब उसके 64 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य की धार्मिकता का काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है।
सो लोग जो पापों की क्षमा के लिए या मन की शांति के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, और बाइबिल बताती है कि ये सब के द्वारा एक इंसान पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकता, मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सो इंसान पापों की क्षमा के लिए, मन की शांति प्राप्त करने के लिए करे तो करे क्या, क्या करना चाहिए। प्रेरित पौलुस इस बात को भी हमारे सामने प्रकट करता है। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, यदि कोई मन से विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा, और वो फिर से आने वाला है, यदि कोई मन से विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने झूठ बोला है, मैंने बुराई किया है, मैंने जो चुगली किया है, मैंने घमंड किया है, मैंने नाना प्रकार के पाप अधर्म किया है, मैंने खून किया है, व्यभिचार किया है, हत्याएं की है, रेप किया है, यदि कोई इंसान ये मान लेता है, मुंह से अंगीकार कर लेता है कि वो पापी है, और मन में विश्वास कर लेता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया ताकि मैं उद्धार प्राप्त करूँ, पापों की क्षमा प्राप्त करूँ, मन की शांति प्राप्त करूँ, तो धर्मशास्त्र बाइबल बताती है कि निश्चय ही वो व्यक्ति, वो मनुष्य उद्धार को प्राप्त करेगा, क्योंकि उद्धार प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, जो उपहार है, जो गिफ्ट है, जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता आपको और मुझको जो है प्रदान करता है। प्रेरित पौलुस से भी कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो की पत्री 6:23 पद में। और प्रेरित पौलुस इस बात का भी बखान करता है कि उद्धार पाने के लिए, मन की शांति पाने के लिए धर्म कर्म के काम आपके काम नहीं आएंगे। आपके ये जो रोटी कपड़ा और जो आप ये पानी पिला रहे हैं, ये आपको मुक्ति अब उद्धार नहीं दे सकता, मन की शांति नहीं दे सकता। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर दें, अपने आप में आप थोड़ी देर संतुष्ट हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इनके द्वारा कोई भी लाभ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं धर्म कर्म के काम ना करें, पुण्यों के काम ना करें, गरीबों की मदद ना करें, लोगों को खाना न खिलाएं, लोगों को पानी नहीं पिलाएं, नहीं। ये मनुष्य का कर्तव्य है और मनुष्य की जिम्मेदारी है और मनुष्य के ये सारे काम जो है करना है, लेकिन पापों की क्षमा के लिए ये सोचकर यदि ये काम हम मनुष्य करते हैं, तो इसके द्वारा पापों की क्षमा या उद्धार या मुक्ति या मन की शांति एक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। सो कैसे एक मनुष्य जो है पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है, मन में विश्वास करके कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मुंह से अंगीकार करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता है, उद्धार करता है, शांति दाता है, वो मुझे माफ़ कर सकता है, वो मुझे उद्धार और शांति प्रदान कर सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रेतों काम 4:12 पद में, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। एक ही नाम है, वह है यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार, मोक्ष, पापों की क्षमा, मन की शांति प्राप्त कर सकता है। सो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, धर्म कर्म के काम, पुण्य के काम, ये सब जो धार्मिकता के काम एक मनुष्य करता है, वो मैले चिथड़े के समान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, अपने पापों को मानने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देगा, सो अपनी धार्मिकता देगा, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता सिखाती है कि हमें लोगों को पानी पिलाना है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता सिखाती है हमें भूखे को खाना खिलाना है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता सिखाती है हमें नंगे को कपड़े पहनाना है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता सिखाती है जो बेसहारा है, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो दुख और पीड़ा में है, परेशानी में है, बीमारी में है, इनको, इनकी जो है आपको मुझको सुधि लेना है। और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में होकर जब हम इन कामों को करेंगे, सो प्रभु यीशु मसीह जो है इन कामों के बदले आपको मुझको आशीष जो है स्वर्ग से देगा। सो मनुष्य पापों की क्षमा
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने गुनाहों से तौबा और पश्चाताप करके प्राप्त कर सकता है, न कि धर्म कर्म और पुण्यों के कामों के द्वारा। सो प्रभु यीशु मसीह प्रेमी हैं, बाहें फैलाए हुए आपके इंतजार कर रहा है कि कब बेटे और उसकी बेटियां उसके पास आए और कहे, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को उसी दिन क्षमा कर देगा और आपको उद्धार देगा, मन की शांति देगा। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।